से भी खेले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत चोट पहुंचाई थी भारत को फाइनल में। सो मुझे ऐसे लगा जैसे मैन पोसेस्ड होता है ना, उस अप्रोच से उन्होंने ये बैटिंग की है और लाजवाब बैटिंग की। देखिए माना कि जैसी मर्जी अच्छी बैटिंग कंडीशंस है, मगर जो जी रेंज ऑफ शॉट्स है, और फिर ये नहीं कि एक शॉट के बाद दूसरे के लिए कोई आराम से खेलने की कोशिश की, छक्के के बाद फिर छक्का फिर छक्का, तो ये सिर्फ, और फिर टेक्निशियन भी है। मैं नहीं समझता कि कोई भी और ऐसा बैटर है कि जब वो छक्का मारता और इतना एफर्टलेस लगता हो। एक ये और ये डी कॉक की बात हम कर रहे हाँ, थे जी, डिकॉक का भी उसका भी बैट फ्लो बहुत अच्छा है, लेकिन रोहित शर्मा तो एट टाइम्स लगता है यार उसने छक्के के लिए बॉल मारा भी नहीं था, फिर भी 90 मीटर का 100 मीटर का छक्का हो गया, जैसे स्पेशली जो पुल। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, और जो दोस्तों ODI वर्ल्ड कप में जिस तरह फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, उसका एक बार फिर से भारत ने हिसाब चुकता कर लिया। और जिस तरह अब इस T20 वर्ल्ड कप से एक तरह से ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह बाहर हो चुका है। अगर दोस्तों अफगानिस्तान सुबह एक बांग्लादेश के साथ मैच खेलेगा, अगर बांग्लादेश को हरा देता है तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा। वो अफगानिस्तान के लिए भी भारत ने रास्ते खोल दिए हैं इस मैच में। पहले अब जिस तरह से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने को कहा, लेकिन विराट कोहली की विकेट पहले ही चली गई, लेकिन उसके बाद जिस तरह की बल्लेबाजी रोहित शर्मा ने की है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में पूरी तरह से देखिए किस तरह से रोहित शर्मा की जमकर तारीफ हो रही है। और कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहता था कि किसी भी तरह यह भारत मैच जीते, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी टीम को देखा होगा किस तरह से यह पहले ही राउंड में सुपर एट के मुकाबलों से बाहर हो गई थी। पहले USA से मैच हारी और उसके बाद भारत के हाथों पाकिस्तान को करारी हार मिली। तो पाकिस्तान के सफर तो पहले ही खत्म हो चुका था। पाकिस्तानी यही चाहते थे कि किसी भी तरह भारत भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाए, लेकिन जिस तरह का मैच ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर Facebook पर देख रहे हैं, Facebook पेज को फॉलो कीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। इस T20 वर्ल्ड कप में हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के और भी एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। जरूर ये जानना चाहेंगे, हमें लगता था कि ये बेस्ट मैच होगा और अभी तक हो भी रहा है, बड़ा हाई स्कोरिंग मैच है। जो टॉस का डिसीजन था, एक तो उस वाले से बताइए, और दूसरा रोहित शर्मा जिस तरह माना जाता है कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग करते हैं, आज एक दफा फिर बड़े मैच में उन्होंने प्रूव किया। देखिए, ये रोहित के पास सिर्फ एक चीज की कमी थी, अपने आप को और एक्सपेंड नहीं कर रहे थे। इसमें इनमें इतनी सलाहियत है कि आप सोच नहीं सकते हैं, और इस मैच में उन्होंने अपने आप को एक टैलेंट को एक्सपेंड भी किया और गुस्से से भी खेले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत चोट पहुंचाई थी भारत को फाइनल में। सो मुझे ऐसे लगा जैसे मैन पोसेस्ड होता है ना, उस अप्रोच से उन्होंने ये बैटिंग की है और लाजवाब बैटिंग की। देखिए माना कि जैसी मर्जी अच्छी बैटिंग कंडीशंस है, मगर जो रेंज ऑफ शॉट्स है, और फिर ये नहीं कि एक शॉट के बाद दूसरे के लिए कोई आराम से खेलने की कोशिश की, छक्के के बाद फिर छक्का फिर छक्का, तो ये सिर्फ, और फिर टेक्निशियन भी है, मुश्किल पिच पे भी बैटिंग करते हैं और फ्लैट पिच पे तो बिल्कुल ही फना कर देते हैं। जी बिल्कुल सही है रमीश सर, आपकी आवाज तो हमें बिल्कुल क्लियर आ रही है, लेकिन आपकी तस्वीर नहीं आ रही है। अगर आप अपनी वीडियो ऑन कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। चेंज नहीं हुई, लेकिन फिर भी 200 प्लस का टोटल, और जिस टीम के पास मोस्ट इकोनॉमिकल वर्ल्ड कप का बॉलर चल रहा है बुमराह, तो उसके खिलाफ 200 रन चेज करना, समझ लिया आप 230 रन चेज कर रहे हैं। अदर भाई, ये कहीं आपको लगता है कि जो भारत को एक्सपोज करना था आपने चेज करवा के, इन्होंने गलती कर दी टॉस के डिसीजन पे, जिस तरह आपने बात भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत की स्ट्रेंथ तो, अगर भारत भी आई एम श्योर टॉस जीता वो पहले बैटिंग ही करता। बिल्कुल, आई थिंक एक चीज ये ट्रिक मिस कर गए कि आज ये सिर्फ मैच जीत जाते तो अफगानिस्तान पे बहुत ज्यादा प्रेशर होना था, क्योंकि बांग्लादेश यस के वो बाकी टीमों के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं खेलती, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ वो अच्छा खेल सकती है और उनका हरा भी सकती है। और ऐसा नहीं होगा कि आप मस्त में मस्त है कि जी वो अफगानिस्तान उनको बड़े रन रेट से हरा लेगा। तो आई थिंक सिर्फ आज मैच जीतने ही जाते तो मेरा ज्यादा ख्याल है कि आज का डिसीजन रन रेट के ऊपर मैटर करता था। उन्होंने कहा था रन रेट हम बहुत आगे ले जाएं, लेकिन इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट आप रन रेट कवर करने जाएंगे तो आपको चांस होता है कि आप मैच भी हार जाएं। वही हुआ, उन्होंने रोहित शर्मा की इनिंग ने गेम को जो है ना वो टोटली इंडिया की फेवर में कर दिया था, जो कि बहुत एफर्ट करके वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक आ नहीं पाए। एक इनिंग्स वे है, जिसने अजहर भाई ने कहा वो दोबारा ही विल बी बैक। एक तो देखें, इस एज में जब फॉर्म चली जाती है तो फिर वो टाइम लगता है वापस फॉर्म का आने में, चाहे वो कोहली हो, ये मैजिशियन तो रहे हैं, मगर क्या है, एट 35 ये मैजिक को रिवाइव कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। दूसरा, आई थिंक इन पे प्रेशर ये है
कि अब जो टेम्पलेट सेट किया है भारतीय बल्लेबाजों ने वो है जो कि आपने रोहित शर्मा की तरफ से देखा जी। वो समहाउ क्वाइटिंग डाउन नहीं हो रहे हैं रोहित शर्मा, उनका ग्राफ ऊपर से ऊपर चला जा रहा है और वो फिर टेम्पलेट अब फॉलो करना है विराट कोहली ने, और कहीं ना कहीं वो मुश्किलात उनको पेश आ रही है क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उनको यही है कि चौके से अब काम नहीं बनेगा, तीन चौके भी मुझे लगाने और फिर छक्के की ट्राई करनी है, क्योंकि अभी आई थिंक उस वजह से भी शायद कहीं उनके जहन में जो है इस वक्त कंफ्यूजन चल रहा है और एट पीस नहीं है वो। ये दो तीन वजूहत हो सकती हैं, और जैसे प्लेयर तो बहुत बड़े हैं इसमें कोई शक नहीं है, और ये कि फील्ड में 100% है, फिट बेइंतहा है, बट एक नेचुरल वेयर एंड टेयर होती है हर खिलाड़ी में, और कहीं ना कहीं आके T20 में मेरे ख्याल से अब इनको दुश्वारियां शुरू हो गई हैं। राज, रोहित शर्मा काफी एनिमेटेड लग रहे थे क्योंकि उनको फाइनल, जैसे आपने पहले बात की, फाइनल उनको याद था और आज एक जो कैच पॉइंट नहीं ले सके थे, आई थिंक उनका पांव थोड़ा सा कहीं फंस गया और वो बॉल पे नहीं पहुंचे, तो उनकी उनका लग रहा था कि कितना वो ये मैच जीतना चाहते हैं, कप्तान की बॉडी लैंग्वेज, लेकिन आज उन्होंने सारे प्लेयर्स को एक्टिव रखा हुआ था कि आज का मैच हमने नहीं हारना, क्योंकि ये फाइनल जो लग रहा था कि इंडिया 50 ओवर वर्ल्ड कप, ये चाह रहा था कहीं ना कहीं ये फाइनल में आगे आएंगे तो हमें फिर बॉदर कर सकते हैं। और आज मैच बड़ा तगड़ा, इवन दो काफी स्कोर हो गया था, लेकिन एक टाइम तक ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच में एंड तक रहेगा भी और जीत भी सकता है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा बॉलिंग की बात करें, आज बहुत बैटिंग विकेट नजर आई, सेंट लुसिया की हमने पहले ही बात की थी कि बैटिंग विकेट है, उन बॉलर्स की आज पिटाई हुई जो हम दुनिया में बहुत हाईली रेट करते हैं, और जिस तरह हम बात करें स्टार्क को 45, कमिंस को 48, इसी तरह पांड्या को 49 के करीब रन हुए, तो ये कैसे देखते हो? और हेजलवुड का स्पेल आउटस्टैंडिंग, और दूसरी तरफ बुमराह ने भी रीजनेबल स्पेल किया। देखिए, एक चीज बड़ी की है, तो फॉर्म बॉलर्स एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म में चल रहे थे जो बुमराह हैं, उन्होंने एक आधे ओवर में मार भी खाई लेकिन कम बैक बहुत अच्छा किया, फिर जहाँ पे विंड होती है आज अगर आप देखें बड़ी स्ट्रांग विंड थी, तो कई दफ़ा उस विंड के अगर आपके अगेंस्ट आ गई आपको तो वो बॉलर्स को ज़्यादा मार पड़ने के चांसेस हो जाते हैं, तो आई फील के एट टाइम्स आपको लगता है कि उनको मार ज़्यादा पड़ गई है, लेकिन उनके लिए कंडीशन, एक तो विकेट बैटिंग होती है और विंड के साथ हेट लग रही होती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपको उस ओवर में मार पड़ना शुरू हो जाए जिस ओवर में आप विंड आपके बैट्समैन की फेवर में जा रही हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक के बॉलर्स तो सारे क्वालिटी थे, लेकिन अगेन जो बेस्ट फॉर्म वाले बॉलर होते हैं वो इस तरह की सिचुएशन में भी अडैप्ट बेहतर करते हैं, लेंथ बड़ी जल्दी से पिक कर लेते हैं कि इधर मैं किस तरीके से बच सकता हूँ, क्योंकि मार तो पड़ती है जब T20 में बैटिंग विकेट आती है, लेकिन आप उसको मिनिमाइज कैसे करते हैं, फिर जब आप मिनिमाइज करते हैं तो आपको विकेट्स भी साथ मिल जाते हैं, तो आई थिंक वो बॉलर्स ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं जिनके पास प्लान बी और सी भी होता है, क्योंकि एक प्लान हर दफा काम नहीं करता, देखना पड़ता है चैलेंज, तो एक डॉट भी जो है ना वो गोल्ड डस्ट होती है, तो आपको किसी ना किसी तरह से मार से बचना है, सो आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म जो है ना उसके बेस के ऊपर आप एग्रेशन को फॉर्म करते हैं, जितनी कम मार जितने डॉट्स उतनी बड़ी फतह है, क्योंकि इवेंचुअली फिर विकेट गिरती है, ये 10 एंड ओवर जो है इस पे कहीं पे भी थमना नहीं था ऑस्ट्रेलिया को, अक्षर पटेल ने आके एक टाइटी ओवर किया और देखे कि उसके बाद दो विकेट मिल गए भारत को, तो ये गेम ये थी, आई थिंक अब गेम ये होती है कि जैसे कि पहली बॉल से आपको वेरिएशंस के ऊपर और यॉर्कर लेंथ के ऊपर और स्लोअर बाउंसर के ऊपर काम करना है, वो दिन चले गए कि जहाँ पे सीम अप करके आप गेंद को सीम या स्विंग करेंगे, ये कंडीशंस ऐसी नहीं है जी। अजहर अली साहब, रोहित शर्मा की मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहें? देखिए, रोहित शर्मा जब खेलते हैं तो मजा आता है देखिए, ऐसे लग रहा होता है कि जैसे वो अक्सर गेम्स देखते हैं ना, और ऐसे लग रहा था बड़े मजे से, यूं बड़े टाइम है उनके पास, मैं नहीं समझता कि कोई भी और ऐसा बैटर है कि जब वो छक्का मारता है और इतना एफर्टलेस लगता हो। एक ये और ये डीकॉक की बात हम कर रहे थे। हाँ, डीकॉक का भी उसका भी बैट फ्लो बहुत अच्छा है, लेकिन रोहित शर्मा तो एट टाइम्स लगता है यार उसने छक्के के लिए बॉल मारा भी नहीं था, फिर भी 90 मीटर का 100 मीटर का छक्का हो गया, स्पेशली जो पुल मारते हैं इतने, ऐसा लगता है कि बॉल बताया था बॉलर ने कि मैं बाउंसर करूंगा, और फिर वो आराम से बैकफुट पे वेट शिफ्ट किया और आराम से बॉल को बाहर फेंक दिया, तो इतना मजा आता है उनको जब वो फुल स्विंग पे होते हैं और वो लंबी इनिंग जब भी खेलते हैं। देखिए 50 ओवर वर्ल्ड कप देखें उनका, वो उन्होंने एक अपना रोल रखा हुआ था, बेशक वो 40-50 करके वो आउट हो जाते थे, लेकिन उनका एक ही पैटर्न होता, वो खुल के खेलते थे और आते ही अटैक करते थे, और आज की इनिंग भी आप देखें तो 43 में खल इनका टोटल था एक टाइम पे, और 41 जो था वो रोहित शर्मा का था, तो इतना इम्पैक्ट डाला है उन्होंने आज की। दूसरी साइड से हेजलवुड इतनी टाइट बॉलिंग कर रहे हैं, उनके सामने जो फंसे हुए हैं वो फंसे रहे हैं,
और ये दूसरी तरफ से 34 तो दो ओवर में उन्होंने स्टार्क को ही कर दिए थे। तो जो शॉट्स मारे हैं जिस टेक्निक के साथ, बेस बहुत स्ट्रांग होता है और लिटरली यू नो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर टू वॉच इन द वर्ल्ड के, जब वो छक्के भी मारे होते हैं ऐसे लग रहा होता है उनके लिए सिंगल्स ले रहे हैं बस। अच्छा सर भाई, ये जो अब दो बैक टू बैक लॉस हुई है ऑस्ट्रेलिया के लिए, खासतौर पर अफगानिस्तान की जो डिफीट थी, इन्होंने काफी इनको जोल्ट किया है, आपको लगता है कि ये ऑस्ट्रेलिया को इस वर्ल्ड कप में और आगे भी बॉदर कर सकती है कई दफा एक मैच जैसे हमें? तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया अब रोहित शर्मा की तो तारीफ कर रही है, लेकिन विराट कोहली के जिस तरह की दोस्तों अब ये पिछली 3-4 इनिंग गई है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चे हो रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम की आए दिन ये विराट कोहली के साथ तुलना करते हैं, लेकिन दोस्तों भारतीय किसी भी खिलाड़ी के साथ बाबर आजम की कोई भी तुलना नहीं होती, वह सिर्फ अपने टुक टुक करके किसी भी तरह 40-50 रन करता है ताकि उसका बस एक टीम में बने रहने के लिए उसकी एक जगह रहे और ICC रैंकिंग में भी हुआ है एक ठीक ठाक रैंकिंग पर बना रहे, उसको पाकिस्तानी टीम से कोई भी लेना देना नहीं होता है। लेकिन भारतीय टीम में आपने देखा होगा दोस्तों जिस तरह हर कोई बल्लेबाज अगर अपनी पर्सनली नहीं खेलता, सब खिलाड़ी अपनी टीम के लिए खेलते हैं, और दूसरी तरफ जिस तरह दोस्तों गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी तारीफ कर रहा है। तो इसके लेकर हम भी आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो और भी लेकर आते रहेंगे, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।